तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को अगर बेसिकली तुम देखोगे तो अगर मैं इसको करूं तो ये कहा जाता है कि ये मैन ऑफ मास 60 kg स्टैंडिंग आने कन्वेयर बेल्ट, मतलब मैन का जो मास है वो 60 kg है, ये दिस इज द स्माइलिंग मैन और ये 60 kg का है, यहाँ पे बैठ के स्माइल कर रहा है। व्हेन द बेल्ट इज गिवेन ए व्हेन द बेल्ट इज गिवेन एक्सलेशन, अगर मैं बेल्ट को एक्सलेशन दे देता हूँ 1 m/s², द मैन रिमेंस स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग बेल्ट। ये पॉइंट टू बी नोटेड, अगर मैन जो है बेल्ट के रिस्पेक्ट में स्लाइड नहीं कर रहा, मतलब अगर जो कोई ऑब्जर्वर है, ये जादूगर जो बेल्ट पे बैठ के देख रहा है, बेल्ट के फ्रेम से देख रहा है, ये एक अलग से जादूगर है जो बैठ के इसी के फ्रेम से देखे, बेल्ट के फ्रेम से, तो वो देखेगा कि आदमी उतना ही एक्सलेशन से चल रहा है जितना एक्सलेशन से बेल्ट चल रहा है, समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में, तो इस आदमी को, ठीक है ना, ये जो ऑब्जर्वर है इसको आदमी आगे जाता हुआ उतना ही एक्सलेशन से नजर आए जितने से बेल्ट चले गया, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है। तो जी की वैल्यू 10 है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन, देखो जो फोर्स, क्या मतलब फोर्स, ये फोर्स का मतलब होता है रियल फोर्स। रियल फोर्स मतलब ग्राउंड से मैं देखूं, अगर मैं ग्राउंड से देखूं तो मुझे नेट फोर्स उस पर कितना दिखाई देगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना? फोर्स मतलब होता है रियल, ग्राउंड से सूडो नहीं यार, ठीक है? तो यहाँ से तुम देखोगे तो एक्सलेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, अगर मैं बेल्ट से देखता हूँ तो एक्सलेशन ऑफ मैन माइनस एक्सलेशन ऑफ बेल्ट, और ये 0 दिया हुआ है, मतलब एक्सलेशन ऑफ मैन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एक्सलेशन ऑफ बेल्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बराबर होगी, और एक्सलेशन ऑफ बेल्ट यहाँ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया था 1 m/s². तो ये सब एक्सलेशन ऑफ मैन जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है और एक्सलेशन ऑफ बेल्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 1 m/s² होगी। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट, अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा तो इसमें जो फोर्स दिखेगा वो एम में दिखेगा, तो इसका मास 60 kg है, एक्सलेशन 1 दिख रहा है ग्राउंड से, तो ये 60 N का जो फोर्स है वो मुझे लगता हुआ इसे आगे की डायरेक्शन में दिखेगा, ठीक है ना? और अगर ये रेस्ट क्यों है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट इसलिए है क्योंकि अगर इस पे जो फोर्स लग रहा आगे वो फ्रिक्शन इसको बैलेंस किया होगा, तो ये दैट्स वाई ये अगर रेस्ट में है यहाँ पे, ठीक है ना? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।